हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूवर्स, आज हम एरोसॉल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एरोसॉल से रिलेटेड प्रोपेलेंट्स, कंटेनर्स एंड वॉल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन अबाउट द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आज हम लोग एरोसॉल से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम प्रोपेलेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एरोसॉल की पैकेजिंग होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हमने बताया कि प्रोपेलेंट, कंटेनर्स, वॉल्स एंड एक्चुएटर्स, प्रोडक्ट कंसंट्रेट, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एरोसॉल के होते हैं और इसको हम लोग एरोसॉल पैकेजिंग कंपोनेंट्स कहते हैं। और इस लेक्चर में हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज प्रोपेलेंट। सो प्रोपेलेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द पावर प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड ऑल्सो एक्सपेल द प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, एक टर्म जो आप देख रहे हैं एरोसॉल पैकेजिंग कॉम्पोनेंट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट का काम होता है एक तरीके से कंटेनर से प्रोडक्ट को एक्सपेल कराने में हेल्प करना, और जिसको हम पावर प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर के ऊपर, तब हमारा प्रोडक्ट एक्सपेल होता है फ्रॉम द कंटेनर। एक्सपेल मीन्स टू कम आउट फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से प्रोडक्ट का बाहर निकलना। व्हेन द वॉल्व इज ओपन एंड इन द ऑटोमाइजेशन और फोम प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब वॉल्व ओपन होता है कंटेनर का, तब ऑटोमाइजेशन से फोम का प्रोडक्शन होगा या फिर डिस्पर्जन फॉर्म में प्रोडक्ट या मिस्ट फॉर्म में प्रोडक्ट कंटेनर से एक्सपेल होगा। तो दैट इज अ वर्क ऑफ द प्रोपेलेंट। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलरली प्रोपेलेंट्स का यूज किया जाता है, उसको हम देखते हैं। बेसिकली अगर हम ओरल इन्हेलेशन प्रोपेलेंट्स की बात करते हैं तो उसमें फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, डाई हाइड्रोक्लोरोमीथेन, जिसको हम प्रोपेलेंट 12 भी कहते हैं, साथ में डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन, जिसको हम प्रोपेलेंट 114 भी कहते हैं। तो फॉर ओरल इन्हेलेशन दीज टाइप के प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम टॉपिकल प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोपेलेंट्स। सो देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट्स के दो टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट्स एंड कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट्स। तो बेसिकली प्रोपेलेंट टू टाइप के हुए, फर्स्ट इज योर लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज योर कंप्रेस गैसेस प्रोपेलेंट्स। सो वन बाय वन करके हम लोग प्रोपेलेंट्स के क्लासिफिकेशन को, या टू टाइप के जो प्रोपेलेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स। तो बेसिकली ये क्या होते हैं इनको देखते हैं। दीज आर द मटेरियल डेट आर एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक फेस एग्जिस्ट इन द गैसियस और वेपर स्टेट। तो जो लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में और वेपर फॉर्म में, जिससे क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग लिक्विफाइड एट रिलेटिवली लो प्रेशर और टेम्परेचर्स। तो लिक्विफाइड गैस में जो प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं उसका एग्जाम्पल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, बिकॉज द एरोसॉल इज अंडर प्रेशर द प्रोपेलेंट एग्जिस्ट मेनली एज अ लिक्विड।
but it will also be had space as a vapor. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एक तरह के एरोसॉल का, जिसमें वेपर है, मिड में आप देख रहे हैं लिक्विफाइड प्रोपेलेंट है एंड एंड में आपका प्रोडक्ट है. और इस तरीके से यहाँ पे एरोसॉल, ये जो कंटेनर है, इससे प्रोपेलेंट की हेल्प से प्रोडक्ट आपका प्रेशर लगाने से एक्सपेल होता है फ्रॉम द कंटेनर. एज अ प्रोडक्ट इज यूज एज अ वॉल इज ओपन, जैसे प्रोडक्ट का यूज किया जाता है वॉल्व ओपन हो जाता है, जिससे सम ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट टर्न टू वेपर एंड उसके बाद जो लिक्विड प्रोपेलेंट होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड कीप्स द हेड स्पेस फुल ऑफ वेपर. इन दिस वे द प्रेशर इज इन कैन रिमेन कॉन्स्टेंट एंड स्प्रे परफॉर्मेंस इज मेंटेनेंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एरोसॉल. इस तरीके से आपका जो प्रेशर होता है कॉन्स्टेंट होता रहता है और स्प्रे करने से आपका प्रोडक्ट एरोसॉल से बाहर एक्सपेल हो जाता है. नाउ हेयर वी कैन सी द वन एरोसॉल कंटेनर, जिसका वर्किंग कैसे होता है इसको देखते हैं. तो यहाँ पे आप एरोसॉल कंटेनर को देख सकते हैं जिसमें लिक्विफाइड प्रोपेलेंट यूज़ किया गया है और गैसियस प्रोपेलेंट्स आप देखते हैं, और प्रेशर लगाने से वॉल की हेल्प से आपका फाइनल प्रेशर जब होता है उस टाइम आपके कंटेनर से एक्सपेल होता है प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्जन, मिस्ट, फोम एंड वेरियस अदर फॉर्म्स. तो दिस इज़ अ वर्किंग and how aerosol works यहाँ पे आप देख सकते हैं. So देख लेते हैं what is compressed gas propellant. तो अगर हम compressed gas propellant की बात करते हैं तो ये only fill होता है जहाँ पे head space होता है उसके सबसे upper area में, head space के पास compressed gas propellant occupy करता है space. And when the aerosol wall is opened, the gas pushes the liquid out of the can. जब हम aerosol के wall को push करते हैं तब जो gas होती है वो liquid को can से expel कराती है and you get a your product in the form of the liquid. The amount of the gas in the head space remains the same. तो जो gas होती है वो completely एरोसॉल के हेड के ऊपर सेम एज इट इज रहती है, बट इट हैज मोर स्पेस एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर विल ड्रॉप ड्यूरिंग. तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपेल करने के बाद जो प्रेशर होता है उसके ना लगने की वजह से वो नीचे ड्रॉप हो जाता है. इस तरीके से कंटिन्यू एरोसॉल की लाइफ एज इट इज बनी रहती है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट में यूज किए जाते हैं, इसमें आपके नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट्स एज अ एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं. So now you can see the difference between liquefied propellants and the compressed gas में. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे liquefied propellant में propellant जो vapor होता है वो सब above है, and अगर वहीं हम compare करते हैं compressed gas तो यहाँ पर compressed gas above portion में fill है. Next bottom की part में compare करते हैं तो product and liquid propellant होते हैं at the bottom and इधर कंप्रेस गैस में प्रोडक्ट है एट द बॉटम. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेस गैस एंड द लिक्विफाइड प्रोपेलेंट. सो अब देख लेते हैं कंटेनर्स के बारे में, एरोसॉल के कंटेनर्स किस टाइप के होते हैं और कौन से प्रोडक्ट और मटेरियल का यूज किया जाता है. दे मस्ट बी स्टैंड एट प्रेशर एज हाई एज 120 पाउंड पर स्क्वायर इंच गॉज. तो कंटेनर ऐसे होने चाहिए जो जिनकी लाइफ मेंटेन रहे बेसिकली 140 टू 180 पाउंड पर स्क्वायर इंच गॉज तक प्रेशर सहले, ऐसा हमारा कंटेनर होना चाहिए एरोसॉल का, जिसमें मटेरियल यूज होते हैं मेटल्स, गैस.
तो अगर हम मेटल की बात करें तो इसमें टिन प्लेटेड स्टील, टिन फ्री स्टील, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। ग्लास की बात करें तो अनकोटेड ग्लास एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लासेस का यूज़ किया जाता है फॉर द एरोसोल कंटेनर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टिन प्लेटेड स्टील जो होती है ये टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल को फिल करने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद लाइट होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। एल्युमिनियम की बात करें तो ओरल एरोसोल को फिल करने के लिए एल्युमिनियम से बने एरोसोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ग्लास। तो ग्लास का एडवांटेज होता है इसमें इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस कम हो जाती है। तो इट्स यूज इन लिमिटेड फॉर द प्रोडक्ट हैविंग लोअर प्रेशर एंड लोअर परसेंटेज ऑफ द प्रोपेलेंट। तो दो तरीके के ग्लास कंटेनर का यूज़ किया जाता है इन द प्रोपेलेंट। तो एक तो होते हैं आपके अनकोटेड ग्लास और प्लास्टिक कोटेड ग्लास के बने एरोसोल का यूज़ किया जाता है। अब हम एरोसोल में देखते होंगे कुछ एरोसोल के जो कंटेनर होते हैं उनका जो बॉटम होता है कर्व होता है। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट व्हाई दीज बॉटम्स आर कर्व्ड इन शेप। तो इसको देख लेते हैं। इन मोस्ट एरोसोल कैंस द बॉटम कर्व्स इनवर्ड। दिस सर्व्स टू फंक्शन। दो रीज़न होते हैं जिस वजह से एरोसोल के बॉटम बहुत बार कर्व होते हैं। तो द शेप स्ट्रेंथनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कैन। इसमें देख लेते हैं। इफ द कैन हैड अ फ्लैट बॉटम द फोर्स ऑफ द प्रेशराइज्ड गैस माइट पुश द मेटल आउटवर्ड। अ कर्व बॉटम हैज ग्रेटर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। सो अगर फ्लैट बॉटम होगा तो फोर्स और जो प्रेशर अप्लाई होगा पुश करते टाइम वो मेटल में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए स्ट्रेंथनेस और स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। दैट्स वाई हम कंटेनर का शेप कर्व होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं द शेप मेक्स इट्स ईजियर टू यूज अप ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से देयर इज अ डिफरेंस सो दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ दैट कर्व बॉटम। सो नेक्स्ट इज योर वॉल्व। बेसिकली वॉल्व का क्या यूज़ होता है देख लेते हैं एरोसोल में। तो एरोसोल में जो वॉल्व होते हैं एक तरह से कितना अमाउंट हमें मेडिकेशन का रिक्वायर है इस वजह से हम वॉल्व का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग को एक डिज़ायर्ड फॉर्म में एक्सपेल कराने के लिए हम वॉल का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द टू फंक्शन ऑफ द वॉल्स। तो दो तरीके के वॉल्व होते हैं, एक तो कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व होते हैं और दूसरा मीटरिंग वॉल्व। तो कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व जो होते हैं उनकी स्पीड जो होती है हाई स्पीड का प्रोडक्शन करती है और मीटरिंग वॉल्व बेसिकली प्रॉपर डिस्पर्जन या स्प्रे फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेल कराते हैं फ्रॉम द कंटेनर। Now here you can see the another types of valve. तो एक होता है आपका valve cup। तो इसका इसमें basically structured from tin plated steel और aluminium। तो tin plated steel और aluminium के valve बने होते हैं cup shape के। outer gasket जिसमें outer gasket होते हैं वो seal होते हैं between the valve cup and aerosol can। valve housing contain a valve stem, spring and inner gasket। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वॉल्व स्टेम। तो वॉल्व स्टेम इफेक्ट करता है टैप थ्रू विच द प्रोडक्ट्स फ्लो। नेक्स्ट इनर गैस्केट। अगर हम इनर गैस्केट की बात करें कवर द होल इन द वॉल स्टेम। वॉल स्प्रिंग की बात करें यूजुअली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। डिप ट्यूब जो होते हैं अलाउ करते हैं लिक्विड टू एंटर द वॉल। एक्चुएटर्स की अगर हम बात करते हैं फिट्स ऑन टू द वॉल्व स्टेम। बेसिकली एक्चुएटर्स वॉल्व स्टेम पे फिक्स होते हैं जिसको इस तरीके के शेप के जो कंटेनर में शेप होता है उसको हम एक्चुएटर कहते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुएटर। तो एक्चुएटर इंश्योर करते हैं एरोसोल प्रोडक्ट्स की जो डिलीवरी होती है इन द प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप के
एक्चुएटर्स का यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्प्रे एक्चुएटर्स, फोम एक्चुएटर्स, सॉलिड स्टेम एक्चुएटर्स और कुछ स्पेशल टाइप के एक्चुएटर्स का यूज़ किया जाता है इन द एरोसॉल। तो दिस इज़ बेसिकली इट इज़ अ एक्चुएटर जिससे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है इन द सुटेबल एंड डिज़ायर्ड फॉर्म। सो हेयर आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल।